हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम आप सभी पंचायत सहायकों के रिन्यूअल को लेकर बात करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचायत सहायकों के रिन्यूअल की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। और ये बड़ा बदलाव क्या हुआ है, अनुबंध पत्र में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए कितना पैसा लगेगा और अनुबंध पत्र जो है कैसे भरना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में जो है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप सभी लोगों को ये बता दें कि आप सभी पंचायत सहायकों का रिन्यूअल होना शुरू हो गया है और बहुत से ज़िलों में जो है रिन्यूअल की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी बहुत से ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर जो है इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें कि 15 अप्रैल तक लगभग सभी जिलों में रिन्यूअल की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग जो है इसको लेकर परेशान मत होइए। हालांकि कुछ ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान का ये भी कहना है कि एक साल कंप्लीट होने पर हम मानदेय नहीं देंगे पंचायत सहायकों को। हम मानदेय तभी देंगे जब दोबारा से जो है उनका अनुबंध पत्र जमा करवाया जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, जहां पर जो है ऐसा सिचुएशन है, वे सभी लोग अनुबंध पत्र बनवा कर जमा कर दीजिए अपने ब्लॉक पर। हालांकि उन ग्राम प्रधानों का भी कहना ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के एक साल कंप्लीट हो चुके हैं। रूल या फिर कहें कि शासनादेश का जो आदेश था या फिर जो शासनादेश का नोटिस था, उसमें जो है यही बात कहा गया था कि एक वर्ष कंप्लीट होने के बाद पंचायत सहायकों का जो कार्यकाल है ये समाप्त हो जाएगा, दोबारा से जो है उनका अनुबंध पत्र बनवाया जाएगा, तब जो है उनका रिन्यूअल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि ग्राम प्रधानों का भी जो है ये कहना सही भी है। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप सभी पंचायत सहायकों का जो कार्यकाल है ये एक वर्ष कंप्लीट होने के बाद समाप्त हो गया है। तो दोबारा से जो है आप सभी लोग अपना अनुबंध पत्र बनवा कर अपने ब्लॉक पर जमा कर दीजिए। हालांकि फ्रेंड्स, ये बात आप सभी लोगों को जानकर हैरानी भी होगी कि पंचायत सहायकों का रिन्यूअल ऑफिशियल नोटिस के अनुसार 2 साल के लिए होना था। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि पंचायत सहायकों का रिन्यूअल जो है 2 साल के लिए ना होकर बल्कि जो है 1 साल के लिए हो रहा है। और इसका प्रूफ भी जो है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा है कि पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा पर नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं कि पंचायत सहायकों का जो रिन्यूअल है ये केवल और केवल 1 साल के लिए किया जा रहा है। हालांकि फ्रेंड्स, इसका जो है आप सभी पंचायत सहायकों को विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि ये सच में जो है आप सभी पंचायत सहायकों के साथ गलत हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी को बता देते हैं कि अनुबंध पत्र कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में जो है आप सभी लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जो है आप सभी लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता दें कि ये जो अनुबंध पत्र का प्रारूप है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको जो है आप लोग गूगल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ फाइल है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर देंगे, आप लोग इसे वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी तरह का जो है प्रारूप आप लोग निकलवा कर इसमें जो भी चीज़ें हैं फिलअप करके जमा कर दीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो है कुछ संशोधन आपको करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा है संलग्नक 3, इसको जो है आपको हटवा देना है। और फ्रेंड्स, इसके साथ में जो है आप लोग ये भी यहाँ पर चेंज करवा दीजिएगा, जो अनुबंध का प्रारूप लिखा है यहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है रहेगा अनुबंध पत्र। तो ये भी चीज़ें जो है आप लोग करेक्शन करवा लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा है कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं ग्राम प्रधान के मध्य अनुबंध हेतु अनुबंध पत्र का प्रारूप, तो यहाँ पर जो है आपको पत्र का प्रारूप ये भी चीज़ें जो है आपको करेक्शन करवा लेना है, यानी कि ये चीज़ें जो है आपको हटवा देना है। यहाँ पर केवल रहेगा के मध्य अनुबंध हेतु अनुबंध, तो ये भी चीज़ें जो है आपको करेक्शन करवा लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये जो अंडरलाइन है ये भी आपको हटवा देना पड़ेगा। और इसके साथ में जो है ये कोष्टक में जो चीज़ें लिखा है कि यह अनुबंध ₹100 के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाएगा, ये भी चीज़ें जो है आपको करेक्शन करवा लेना है, यानी कि ये भी चीज़ें जो है आपको हटवा देना है।
उसके बाद फ्रेंड्स सेम जो है ये जिस प्रकार का प्रारूप है, जो भी चीज़ें इसमें है, ये सेम चीज़ें जो है ऐसे ही रहेगी। तो ये दो तीन चीज़ें जो है आप लोग करेक्शन करवा लीजिएगा। इस पीडीएफ फाइल को जो है जब हम सेंड कर देंगे तो आप लोग जो है इसे जाकर किसी दुकान पर सीएससी वाले के पास या किसी कंप्यूटर वाले दुकान पर जाकर जो है आप लोग ये सब चीज़ें करेक्शन करवा लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि 100 रुपये का जो है स्टाम्प पेपर आपको बनवाना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स ये जो स्टाम्प बनेगा ये आपके तहसील से ही बनेगा, तो इसके लिए जो है आप लोगों को 100 रुपये का स्टाम्प बनवाना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो टोटल खर्चा आता है ये 130 रुपये दुकानदार द्वारा आपसे लिया जाएगा, यानी कि 100 रुपये स्टाम्प का और 30 रुपये जो है उसके द्वारा निकाले गए स्टाम्प का चार्ज लिया जाता है, यानी कि 130 रुपये जो है स्टाम्प का लगेगा। और इसके साथ में जो है आपको अपने आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है मोबाइल नंबर भी आपको देना पड़ेगा उस स्टाम्प निकालने वाले व्यक्ति को। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इसके बाद जो है आप लोगों को 100 रुपये की नोटरी बनवाना पड़ेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देखते जाइए। और देखिए फ्रेंड्स स्टाम्प का जो है प्रारूप इस तरह से रहेगा और जो नोटरी है ये कुछ इस तरह से रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स ये जो नोटरी का दस्तखत और मोहर है ये आपको तीनों पन्नों पर करवाना पड़ेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस पर जो है यानी कि नोटरी पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि दो टिकट लगेगा, और ये जो टिकट है ये 5-5 रुपये दो टिकट जो है लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है इसके बदले 20 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स 5-5 रुपये का टिकट रहेगा लेकिन आप सभी लोगों को जो है इसके बदले 20 रुपये उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि 130 रुपये स्टाम्प का, उसके बाद 100 रुपये नोटरी का और 20 रुपये जो है टिकट का आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही जो है टोटल खर्च पड़ता है, यानी कि फ्रेंड्स अगर कुल जोड़ा जाए तो 250 रुपये का खर्च जो है आप लोगों को पड़ेगा। और इसके साथ में जो है आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो है आप लोग इसे कैसे फिलअप करेंगे, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम जो है कुछ इस तरह से एक पंचायत सहायक का अनुबंध पत्र फिलअप किए हैं, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसमें जो डेट वगैरह है ये आपके जो सेक्रेटरी हैं उन्हीं के द्वारा आप लोग पूछ कर फिलअप कीजिएगा, आप लोग जो है इसमें डेट वगैरह अपने से फिलअप ना कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें कि प्रथम पक्ष में आपके ग्राम प्रधान का नाम रहेगा और द्वितीय पक्ष में जो है आप यानी कि पंचायत सहायक का नाम रहेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये जो प्रथम पक्ष है यहाँ पर आपके ग्राम प्रधान का सिग्नेचर और मोहर रहेगा, और द्वितीय पक्ष में जो है आप सभी यानी कि जिस भी पंचायत सहायक का है उस पंचायत सहायक का यहाँ पर नाम रहेगा और उनके पिता का नाम भी यहाँ पर रहेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है ये जो प्रथम पक्ष है इसमें जो है ग्राम प्रधान के दो गवाह का सिग्नेचर होगा, उनके पिता का नाम और वो जो है किस गांव के निवासी है यहाँ पर जो है ये भी चीज़ें रहेगा। और ये जो द्वितीय पक्ष है इसमें जो है आप सभी पंचायत सहायकों की तरफ से दो गवाह का सिग्नेचर होगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये जो अनुबंध पत्र का प्रारूप है ये ले जाकर अपने सेक्रेटरी को या फिर अपने ब्लॉक पर आप सभी लोगों को जमा कर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो है हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।